शेयर मार्केट में तो हम डेली नए नए स्टॉक खरीदते हैं, लेकिन कौन सा स्टॉक बेस्ट होगा अपने पोर्टफोलियो के लिए जो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सके? आज मैं वैसे ही स्टॉक आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो स्टॉक है दोस्तों बजाज फिंसर, जो आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा ऐसा स्टॉक। मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। ये स्टॉक क्वांटिटी वाला नहीं, क्वालिटी वाला है। और वॉरेन बफेट ने साफ साफ बोला है कि आपको वही बिजनेस खरीदना है जिसमें क्वालिटी हो। क्वांटिटी तो सब खरीदते हैं, आपको क्वालिटी खरीदना हो। भले ही मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा हो, लेकिन दोस्तों गिरते हुए मार्केट में भी ऐसे स्टॉक आपको बचा सकते हैं और अच्छा से अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और ये है दोस्तों बजाज फाइनेंस, उसका भाई ही हम बोल सकते हैं। तो आपको कौन से स्टॉक पे फोकस करना है जो आपको बहुत अच्छा और बेहतरीन रिटर्न दे सकता है? वो ये है दोस्तों बजाज फाइनेंस, ठीक है। ये स्टॉक देख लो, ये उससे भी ज़्यादा क्वालिटी वाला स्टॉक है दोस्तों, जो मैंने आपको अभी फिनसर दिखाया और ये जो मैं आपको अभी फाइनेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों इसका हम हर एक चीज़ डिट्टो देख लेते हैं, मतलब ए टू जेड, तो सबसे पहले हम नेट सेल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कंपनी का जितना सेल्स इंक्रीज़ होगा, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो है हर जगह किसी भी बिजनेस में आप देखोगे तो सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये कंपनी दोस्तों उसी का मास्टर है। मतलब इसमें सेल्स बहुत अच्छी और बहुत इफिशेंस तरीके से होती है। यहाँ पर सेल्स देख लो बहुत बड़ा अमाउंट है, उसके बाद तो दोस्तों सेल्स होगा तो नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगा। और इस कंपनी का ग्रोथ देख के आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों। इसने देख सकते हैं 10 सालों के अंदर कितना अच्छा और कितना बड़ा रिटर्न दिया है दोस्तों। और इसका प्राइस भी देख लीजिए, बजाज फिंसर से थोड़ा कम ही है। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत क्वांटिटी भी आप बढ़ा के ले सकते हो, और ऊपर से क्वालिटी वाला स्टॉक तो है ही, मतलब आपको तो खरीदना ही है भाई, ठीक है। तो ये स्टॉक देख लो दोस्तों, 10 सालों में तो बहुत बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, उसके बाद 5 साल में भी औकात से बाहर रिटर्न दिया है दोस्तों। औकात से बाहर मतलब अगर आप बैंक में रखते हो तो आपको तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो 866.23 के आसपास मिला है। 4 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, यहाँ तक कि दोस्तों 1 ईयर, यहाँ देख सकते हैं ईयर टिल डेट में आपको 6% का लॉस दिया है। लेकिन अगर हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये नुकसान दिया तो दोस्तों विथ इन ए मंथ, 1 महीने के अंदर में, और वो तो भाई आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से मार्केट कितना ज़्यादा गिर गया है। और किसी भी कंपनी को ख़रीदने से पहले तो उसका बैलेंस शीट देखना कंपलसरी है भाई, कंपलसरी है, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी के पास क्या है और कितना है। अगर कल को कुछ होता है तो कंपनी कितने देर तक अपने आप को मार्केट में स्टेबल रख पाती है दोस्तों। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं करंट असेट, ठीक है दोस्तों। करंट असेट देख लीजिए, असेट क्या होता है मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं दोस्तों। असेट वो वैल्यू होता है कंपनी को डूबने के टाइम में जो बचाता है, गले तक अगर पानी चला जाएगा तो यही बचाता है दोस्तों कंपनी को डूबने से। क्योंकि किसी भी चीज़ में कंपनी का असेट देखा जाता है, अगर कल को कुछ होता है तो कंपनी के पास असेट कितना है, वो भरपाई कैसे करेगा, तो वही चीज़ है दोस्तों। असेट के नाम पर अगर देख लोगे तो 131.87% है। ये बहुत मतलब कि दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है दोस्तों। ये शायद ही किसी किसी कंपनी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा, इतना तो किसी कंपनी में नहीं होता, इसलिए मैं इतना तारीफ कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों फिक्स असेट, फिक्स असेट में भी देख लेते हैं तो 47.76% है। चलिए ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अगर देख लेते हैं, फिर बोरोइंग लोन देख लेते हैं तो 50%, 45% दोस्तों। ये जो आपको परसेंटेज में दिखाया जा रहा है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत अच्छा। और इसका अगर हम रिजल्ट देख लेते हैं कि रिजल्ट में कैसा है ये कंपनी, ठीक है, तो एनुअल रिजल्ट हम सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है भाई। ये है 2018 का, और का एक चीज मैं आपको बताना भूल गया भाई, बुरा मत मानिएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूं, ये जो मैं आपको समझाना चाहता था, ये मैं इस बेसिस पे समझाना चाहता था, ये है 2018, ठीक है, ये है 2019। तो ये जो मार्च है दोस्तों, मार्च जो होता है एंडिंग होता है, ठीक है, ये अकाउंटिंग के हिसाब से एंडिंग ईयर होता है, ठीक ना, बुरा मत मानिएगा। जनवरी से ये दिसंबर होता है, लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग में होता है दोस्तों मार्च के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 2018 था और 2019, तो 2001 साल के अंदर इतना ज़्यादा जो है असेट क्वालिटी आपको चेंज मिला, तो इतना ज़्यादा परसेंट जो है चेंज मिला। अब मान लीजिए कि आप किसी काम को कर रहे हो, ठीक है, अगर आप 1 साल के अंदर आप मान लो कि 1 लाख रुपया कमा सकते हो, ठीक है,
करेंगे भाई एक साल के अंदर, तो आपने 2018 से लेके 2019 के बीच में और एक्स्ट्रा पैसा कितना कमाया वो आपको परसेंटेज में भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये समझिए एक सालों के अंदर कितना अच्छा जो है ये इंप्रूवमेंट लाया, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको प्रॉफिट के मामले में कंपनी दिखा देता हूँ, प्रॉफिट के मामले में कंपनी कैसा है, ठीक है। और ये है दोस्तों 2018 और ये है दोस्तों 2019, ठीक है। ये कॉलम 2018 का, ये कॉलम जो है 2019 का, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे भाई क्या है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, 60 पॉइंट, मतलब कि दोस्तों 60.03% है, मतलब बहुत बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा कंपनी, ठीक है। तो ऐसी कंपनी को हमें इतनी पकड़ बना लेना चाहिए ना कि हमारे हाथ छूट ना पाए। अगर हाथ छूटना स्टार्ट कर दे तो उंगलियों को अपने चारों पांचों उंगली को ऐसे फंसा दो ना कि ये ऐसी कंपनी हमारे से निकल नहीं पाए, इतना तगड़ा जो है आप इस पर खरीदारी कीजिएगा। मैं आपको बोल दे रहा हूँ भाई कि करोड़पति बनाने के लिए आपको 100 कंपनी खरीदने का जरूरत नहीं है, एक कंपनी पे ही इतना फोकस करो। देखो बहुत लोग बोलेंगे भाई एक कंपनी पे पैसा लगाना मतलब बहुत ज्यादा खतरा है, भाई खतरा कुछ नहीं है, जो लोग ऐसा बोलते हैं वो आपका खतरा बढ़ा देते हैं। मैं आपको देखिए पूरा नाम और डिटेल बता देता हूँ, बुक का नाम द विनिंग इन्वेस्टमेंट हैबिट ऑफ वॉरेन बफेट एंड जॉर्ज सोरोस, ठीक है। ये बुक का नाम है, चैप्टर नंबर 19 में आप जाके देखो, वॉरेन बफेट ने बताया है, वॉरेन बफेट मतलब भगवान ने आपको बताया है भाई, शेयर मार्केट का भगवान बोला जाता है, गॉड है, ठीक है। कौन? वॉरेन बफेट ने। मैंने आपको बुक का नाम बता दिया, चैप्टर का नाम बता दिया, उन्होंने दोस्तों उस चैप्टर में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब एक्सप्लेन किया है, बताया है कि आपको ज्यादा स्टॉक नहीं खरीदना, आपको लिमिटेड स्टॉक में अनलिमिटेड पैसा लगाना है, तब जाके आप करोड़पति बनोगे। यहाँ तो दोस्तों जिसके पास 1 लाख रुपया होता है वही दोस्तों कम से कम 50 या 60 कंपनी खरीद लेता है, तो क्या मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लिमिटेड स्टॉक में अनलिमिटेड पैसा लगाओ तब जाके आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो आप बुरा मत मानिएगा, मैंने फैक्ट डेटा और स्टैटिक्स के हिसाब से आपको बोला। तो ये है दोस्तों बजाज फिनसर, आपको इस प्राइस पे मैं बोल रहा हूँ 3955, आँख बंद करना, इतना जोड़ इतना दम लगा के खरीदना है ना कि दोबारा आपको जो है मतलब दोबारा अगर आपको नहीं भी मौका मिलता है तो आप इस प्राइस को पकड़ ही लो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये आपको नहीं मिलने वाला, ऐसा चीज़ दोबारा नहीं मिलता जो आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न दे सके, ठीक है। बहुत कम ही ऐसे स्टॉक होते हैं, तो भाई खरीद लो, दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा तो आपको खरीदना है चाहे जो भी करना, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों, ये स्टॉक का प्राइस जो है इंक्रीज़ तो ज़रूर होगा, वो तो अलग बात है भाई, इंक्रीज़ तो ज़रूर होगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट निफ्टी, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ लास्ट में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों मैंने वो स्टॉक को क्यों खरीदने के लिए बोला, और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जो कम प्राइस के थे, लेकिन दोस्तों अगर आपको अच्छा क्वालिटी का सामान सस्ते में मिल जाता है ना तो खरीदने का मज़ा ही कुछ और होता है। अगर मान लो कि जो गरीब लोग हैं, गरीबों से जाके पूछो पनीर का टेस्ट क्या होता है, वो मतलब कि मुंह से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। जो अमीर हैं उनसे पूछो भाई पनीर का टेस्ट क्या होता है, बोलेंगे यार हटो यार ये तो डेली खाते। तो वो चीज़ आपको सीखना है दोस्तों, बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक अगर आपको गिरते हुए मार्केट में मिल रहा है तो सोचो मतलब प्योर गोल्ड मिल रहा है आपको। उसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट में देख लो बहुत ज़्यादा गिरावट हो रहा है दोस्तों, 12,500 से गिर के मार्केट जो है 8,500 के आसपास आ चुका है, ठीक है। अब आपको पैसा कैसे लगाना है दोस्तों बजाज फाइनेंस में, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्योंकि मार्केट ये जो रिकवर हुआ है दोस्तों ये शॉर्ट रिकवरिंग है, ठीक है, और भी गिरावट हो सकता है, ठीक है, और भी गिरावट हो सकता है। अगर और गिरावट हुआ तो मार्केट कहां तक जा सकता है दोस्तों, 7,500 के आसपास मार्केट जा सकता है, ठीक है। अगर और ज्यादा गिरावट हुआ तो 7,000 के आसपास मार्केट गिर सकता है, ठीक है। तो अब अगर और मार्केट गिर सकता है तो हमें बजाज फिनसर को कैसे खरीदना है वो भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अगर आप 1 लाख रुपीज़ लगाना चाहते हो बजाज फिनसर में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल को समझ जाओ और पैसा अपना इन्वेस्ट करना तैयार हो जाओ, ठीक है। तो दोस्तों 1 लाख रुपीज़ में मान लीजिए आपके पास 100% है, तो 100% कैपिटल में से आपको अभी 20% कैपिटल लगा देना है, 20% कैपिटल, ठीक है। ये है पहला प्रोसीजर, ठीक है। और दूसरा दोस्तों मान लें कि मार्केट फिर से गिरता है तो आपको 10 या 15% करके लगाते जाना है, जब भी मार्केट गिर रहा है तो 10 या 15%, 2 दिन का गैप अप रखेगा, ठीक है, 2 दिन का गैप रखेगा। ज़्यादा जब भी दोस्तों निफ्टी 1000 पॉइंट गिरता है या 500 पॉइंट गिरता है, धड़ाक से आप पैसा जो है 10% इंक्रीज कर दो। तो पहले आपने कितना डाला स्टार्टिंग में, 20, वो क्या था दोस्तों, वो रूट था, वो जड़ था, आपने जड़ को पकड़ लिया भाई। अब तो कहीं भी जाए या तो ऊपर या नीचे आपको साथ में जाना ही है, ठीक है। तो आप 10% 10% इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओ
और आपको लास्ट में फाइनली कितना करना था कर दो, और उसके बाद आपका जो बेस प्राइस बनेगा ना, बेस प्राइस अगर मार्केट अगर मान लो और भी गिर जाता है तो ठीक है, 7000 के आसपास भी अगर गिर जाता है तो आपको बजाज फाइनेंस में आपको एक बेस प्राइस बनेगा ना वो बहुत अच्छा बनेगा। वहाँ से अब जब दोस्तों मार्केट रिकवरी लेना स्टार्ट करेगा और आपको बजाज फिनसर में प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा तो आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और जो भी करना है लॉन्ग टर्म के लिए खेल खेलना है दोस्तों, 2-4 दिन के लिए मत करो, ठीक है। 2-4 दिन में क्या जाएगा क्या आएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए खेल खेलो, तब जाके आपको बहुत अच्छा और बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज करना मत भूलिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइक करने में कंजूसी करते हैं। और एक चीज़, हमारे यहाँ पेड सर्विस भी दिया जाता है, अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, ये जो मार्केट गिरा है ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ये आपको हो सकता है कि इस जन्म में दोबारा ना मिले, क्योंकि दोस्तों जब मार्केट गिरता है ना तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में अगर आप खरीदोगे स्टॉक तो आप जितना 5 साल में नहीं कमा पाओगे वो आप 2 से 3 महीनों में कमा लोगे। सोचिए, ऐसे दोस्तों हमने कम से कम 27 स्टॉक जो आइडेंटिफाई किए हैं जो आप आंख बंद करके भी अच्छे से खरीदोगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों ये नंबर जो है व्हाट्सएप का, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, ये जो नंबर है दोस्तों ये कॉन्टैक्ट का, इस नंबर पे आप मिस कॉल मार सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे यहाँ से डेली डेमो सैंपल या जो भी आप बोलना चाहते हो दोस्तों, ट्रायल सब यूट्यूब में दिया जाता है। आप कैसे हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हो, ये जो यूट्यूब है दोस्तों यहाँ सर्च बार में आपको जाके सर्च मारना है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। आप जैसे ही परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट सर्च मारिएगा आपके सामने परफेक्ट व्यू का आइकॉन आ जाएगा, ठीक है, लोगो, उस लोगो को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं वीडियोज़, आपको जाना है वीडियोज़ में, और वीडियोज़ में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैंने सारा वीडियो जो है अपलोड किया, यहाँ पर देख लीजिए 45 मिनट हो गए ये वीडियो, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने 2 ऐसे स्टॉक बताए हैं जो आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न दे देगा, ठीक है। तो आप हमारे सारे वीडियोस को जो है पेपर ट्रेड करके देख सकते हो, सारे वीडियोस को, ठीक है, एक भी वीडियोस ऐसा नहीं है दोस्तों जो आपको नहीं मिलेगा, सारे वीडियोस यहाँ पर मिल जाएगा, आप सारे वीडियोस के साथ पेपर ट्रेड कर सकते हो, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा तो जुड़ सकते हो।